जिला अधिकारी अस्तिक कुमार पांडे ने पेश की मिसाल। जिला अधिकारी ने अचानक से बांधकाम विभाग को भेंट दी, जहां उन्हें दीवारों पर पान और पूड़ी तंबाकू खाकर थूक की हुई पिचकारियां नजर आई, जिसे देखकर उन्होंने वहां पानी की बाटली और कपड़ा बुलाकर अपने हाथों से साफ किया। जिला अधिकारी को गंदगी अपने हाथों से साफ करता देख वहां पर खड़े अधिकारियों में सकपकाहट मचने लगी। सरकारी ऑफिस में जाला कचरा थूक की पिचकारियां पेशाब की बास, ये जैसे आम बात हो गई है। कोई भी अधिकारी या व्यक्ति सरकारी ऑफिस में अपना ऑफिस या अपने घर जैसा समझने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ लोगों के टाइम पास करने की जगह बन गई है। लोगों का पान खाकर थूकना, गंदगी फैलाना और साफ सफाई स्वच्छता ना रखना, ये उनकी आदत में पड़ गया है। देखा गया है कि अकोला के सरकारी ऑफिस को लोगों ने कचरा पेटी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन जिस वक्त आस्तिक कुमार पांडे अकोला के जिला अधिकारी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और लोगों को पान की पिचकारियों को अपने हाथ से साफ करने लगे। और एक संदेश उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को दिया कि सफाई ना होना ये उनकी गंदगी की पहचान है। और वहाँ अधिकारियों को 2 दिन में कार्यालय साफ ना होने पर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आम नागरिक को कभी फ़र्ज है कि वो अपने घर को जिस तरह साफ रखते हैं उसी तरह सरकारी कार्यालय को सफाई रखने का ख्याल रखे। ये भी हमारी संपत्ति है, हमें इसे स्वच्छ रखना होगा। ये सीधे रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको हमारा न्यूज़ चैनल कैसा लगा। धन्यवाद, शुक्रिया।